पूरा वसूली का जाल चला है और आप लोगों ने उसका नाम रखा था वसूली बाबा और मैंने नाम खोल दिया है। वो जो एक बंटी नाम का व्यक्ति था उसने कानपुर में भ्रष्टाचार का जो आतंक मचाया है उसका नाम मैंने बंटी टैक्स रखा है। उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी और सपा में जबरदस्त उठापटक चल रही है। इसी कड़ी में सपा नेता अमिताभ वाजपेयी ने कानपुर से बीजेपी मेयर पद की उम्मीदवार प्रमिला पांडे के बेटे पर वसूली का आरोप लगाया है। अमिताभ वाजपेयी ने कहा कि बीजेपी उम्मीदवार का बेटा पिछले 5 सालों से शहर के तमाम साइकिल स्टैंड से लेकर रेहड़ी पटरी वालों से वसूली करता था। कानपुर जनपद में भाजपा, सपा और कांग्रेस तीनों ने ही ब्राह्मण महापौर प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं। साथ ही सपा ने बीजेपी को पछाड़ने के लिए आर्यनगर विधानसभा से सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी की पत्नी वंदना वाजपेयी को उम्मीदवार बनाया है। अब दोनों ही पार्टियां एक दूसरे के प्रत्याशियों को घेरने में लगी हैं। एक बंटी कौन है? आप जानते हैं बंटी कौन है? कानपुर शहर ने 5 साल वसूली का संतरास झेला है। गरीब आदमी, ठेला पट्टी, रेहड़ी दुकानदार, पॉलीथीन के नाम पर वसूल लाओ, सफाई कर्मचारी भर्ती के नाम पर वसूल लाओ, नाला सफाई कागज पर होगी, सामुदायिक केंद्र बेच दिए जाएंगे, साइकिल स्टैंड प्राइवेट तरीके से चलेंगे। पूरा वसूली का जाल चला है और आप लोगों ने उसका नाम रखा था वसूली बाबा और मैंने नाम खोल दिया है। वो जो एक बंटी नाम का व्यक्ति था उसने कानपुर में भ्रष्टाचार का जो आतंक मचाया है उसका नाम मैंने बंटी टैक्स रखा है और नगर निगम को इस बार बंटी टैक्स से मुक्त करके ईमानदार प्रशासन की ओर लेकर के जाने का संकल्प है। ये कौन कार्ड होता है ब्राह्मण कार्ड? कानपुर के अंदर सीवर सफाई होनी है, नाला सफाई होनी है, सड़कें बननी है, पार्क बनने हैं, सुरक्षा का इंतजाम होना है, जाम खत्म करना है, प्रदूषण कम करना है, इसमें ब्राह्मण कार्ड क्या होता है? हम कहाँ से आए हैं? हम कानपुर के ठोक बजा के ठोस कानकुब्ज ब्राह्मण हैं और पिछली दसियों पीढ़ियां हमारी बाबा, परबाबा, उनके बाबा तक कानपुर में जन्म लिया है, कानपुर में मरे हैं और हम लोग कानपुर के लिए जी रहे हैं, कानपुर के लिए मरेंगे। ये लोग जो बाहर से आए हैं वो अपना ठिकाना ढूंढ लें। कानपुर अपने लोकल लोगों को मदद करने जा रहा, बाहरी लोगों के साथ अविश्वास जताने नहीं जा रहा है। बाहरी लोग आते हैं, कानपुर को चरागाह बना के चले जाते हैं। हमारा कानपुर को चरागाह नहीं है, हमारे कानपुर के लोग कानपुर की बेटी, कानपुर की बहू को चुनने का काम करेंगे। मौसम आज काफ़ी खुशियाँ मना रहा है, इसको मालूम है। कम से कम पूरे जगह कुछ भी चल रहा हो, कानपुर में बदलाव आने वाला है, इसलिए मौसम बदल रहा है, खुशनुमा हो रहा है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।